धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। आरक्षण, जी हाँ आरक्षण, फिर सुन लीजिए आरक्षण। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को। तीसरे दौर की वोटिंग से पहले आरक्षण का जिन फिर से बाहर निकल आया है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच फिर सामने आते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही जो उन्होंने 4 साल पहले कही थी, 2 साल पहले कही थी, नागपुर में साल भर पहले भी कही थी, और एक बार फिर कहा कि आरएसएस संविधान के मुताबिक आरक्षण के साथ है तब तक जब तक समाज में भेदभाव है। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बाकी अच्छे कर रहे हैं, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख हैदराबाद में थे, एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, जिक्र आरक्षण का आया, बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो फैलाया जा रहा है, आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। सोशल मीडिया है, अच्छी बातें भी जाती है, खराब बातें भी जाती है। वो सोशल मीडिया का गुण नहीं, सोशल मीडिया में भाग लेने वाले का गुण है। तो ऐसी कपोल कल्पित बातें लोगों में भेज कर विवाद पैदा करना उसका स्वार्थ है, चलो ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संघ प्रमुख ने क्लियर कर दिया है कि आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन मौका चुनाव का है लिहाजा मुद्दा गर्मा चुका है। संघ प्रमुख के बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की, आरक्षण पर सियासी रण बढ़ने लगा है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए तीसरे फेज की वोटिंग से पहले बाहर निकले आरक्षण के चिन्ह का सिरा खोजना जरूरी है। असल में इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी देश के संविधान को बदलकर लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहती है। आगे लिखा कि बीजेपी आरक्षण छीनकर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी खत्म करना चाहती है।
राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी से जुड़े लोग ऐसा कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया? राहुल गांधी ने बीजेपी से जुड़े किस नेता का जिक्र किया? जातिवादी होने का हमला। इन सवालों का जवाब ये वायरल वीडियो है, जिसमें जो शख्स नजर आ रहे हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। वायरल वीडियो में वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर किया। सुप्रिया के वीडियो को ही राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए आरक्षण खत्म करने को लेकर निशाना साधा। अब सवाल ये है कि प्रमोद कृष्णम हैं कौन? आचार्य प्रमोद कृष्णम एक संत के साथ ही राजनेता भी रहे हैं। प्रमोद लंबे वक्त तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। 2014 में संभल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार जीत हासिल नहीं कर सके। इसी साल फरवरी में कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ९९ में उत्तर प्रदेश के संभल में उन्होंने कल्कि फाउंडेशन की स्थापना की। फिर 1996 में कल्कि धाम की स्थापना भी उन्होंने ही की। इसी धाम में पीएम मोदी ने 19 फरवरी को कल्कि मंदिर की आधारशिला रखी थी। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं, वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसको उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उनका भाषण साल भर पुराना है, वो भी तब जब वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस वीडियो को साजिश करार दिया, लेकिन मौका और माहौल चुनावी है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री यूपी के एटा में रैली कर रहे थे। राहुल गांधी और आरक्षण को लेकर क्या कहा खुद सुनिए। राहुल बाबा, अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा दी। ए राहुल बाबा, मैं समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी का गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है कि तीसरे चरण से पहले उठे आरक्षण को लेकर बीजेपी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है? 7 मई को असम की 4 सीटों, बिहार की 5 सीटों और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए वोटिंग है। इसके अलावा गोवा की 2 और गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में 14, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 10, पश्चिम बंगाल में 4, दमन और दीव में 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी 7 मई को ही वोटिंग है।
इन सीटों पर 1,351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। खास बात यह है कि तीसरे फेज में वोटिंग वाली कई सीटों पर एससी एसटी और ओबीसी वोटर निर्णायक हैं। यूपी की ही बात करें तो तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली जैसी सीटें शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। दूसरे फेज में जहां चुनाव जाट बेल्ट पर फोकस था, वहीं तीसरे फेज में यादव बहुल इलाकों में वोटिंग है। यादव ओबीसी में आते हैं, इसीलिए आरक्षण का जिक्र चला तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया अलायंस पर तीखे तीर छोड़ने में देर नहीं की। जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन्होंने पहले देश को बांटा, अभी कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे इस पे एक वरासत टैक्स लगेगा, और वरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा संपत्ति में वरासत टैक्स में सरकार ले रही है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। बीजेपी को एससी एसटी और ओबीसी वोटरों की सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा है। पिछले दो चुनाव में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के पीछे इस वोट बैंक का बड़ा हाथ रहा है। एक दौर में क्षेत्रीय क्षत्रपों की झोली में जाने वाले ओबीसी वोट को बीजेपी ने कैसे अपने पाले में किया, इसे ऐसे समझा जा सकता है, मोदी यानी गारंटी। 2004 में बीजेपी को 23% ओबीसी वोट हासिल हुए थे। 2009 में ये घटकर 22% हो गए, लेकिन 2014 में बढ़कर 44% और 2019 में 45% ओबीसी वोटर ने कमल पर बटन दबाया। यूपी में जातीय समीकरणों का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग है, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण, फिर चौथे पर मुस्लिम आते हैं। यूपी में ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 52% है, दलित वोटरों की संख्या 22-23% और सवर्ण वोटर 20-22% हैं, जबकि 5% अदर्स में आते हैं। इसीलिए सभी दलों का सबसे ज्यादा फोकस 52% वाले ओबीसी वोट बैंक पर रहता है। हर दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने वायरल वीडियो को लेकर आरक्षण के जिन्न को बाहर निकाला तो विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मुफीद मौका मिल गया। अखिलेश यादव को सुनिए। हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण को लेकर चुनावी राजनीति गर्माने लगी है। 7 मई आने में अभी हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में साफ है कि आरक्षण पर वार पलटवार का सिलसिला अभी लंबा चलेगा।